केजरीवाल डरे हुए हैं और अभी तो जेल से पैरोल पड़ा है, बंदी है केजरीवाल। वो बंदी हैं जो कभी अन्ना हजारे के माथे पर बैठ करके इतनी कस्में खाई है कि अन्ना हजारे भी अब उनको अपना साथ कहता है, मेरा शिष्य नहीं। इसलिए केजरीवाल की अब विश्वसनीयता नहीं बची है। केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो केजरीवाल अपनी बातों पर ही नहीं टिका रहते। अगर आपको किसी भी सेक्टर में देखना, जब वो राम मंदिर विवाद में था तो कहते थे, मेरी नानी कहती है ना बेटा ना, मैं नहीं जाऊंगा जो मस्जिद को तोड़ के बना है। उसके बाद फिर राम भक्त हो गए, हनुमान भक्त हो गए। केजरीवाल न राम भक्त है, न हनुमान भक्त है, न देश भक्त है। केजरीवाल सत्ता भक्त है और केजरीवाल नरेंद्र मोदी के एडवाइजर ना बने। देश की जनता जब तक नरेंद्र मोदी को चाहेगी, देश को दिशा देंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। 29 तक कौन कहे, 29 के बाद भी देश की जनता चाहेगी तो नरेंद्र मोदी रहेंगे। केजरीवाल डरे हुए हैं और अभी तो जेल से पैरोल पड़ा है, बंदी है केजरीवाल। वो बंदी हैं जो कभी अन्ना हजारे के माथे पर बैठ करके इतनी कस्में खाई है कि अन्ना हजारे भी अब उनको अपना साथ कहता है, मेरा शिष्य नहीं। इसलिए केजरीवाल की अब विश्वसनीयता नहीं बची है। केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो केजरीवाल अपनी बातों पर ही नहीं टिका रहते। अगर आपको किसी भी सेक्टर में देखना, जब वो राम मंदिर विवाद में था तो कहते थे, मेरी नानी कहती है ना बेटा ना, मैं नहीं जाऊंगा जो मस्जिद को तोड़ के बना है। उसके बाद फिर राम भक्त हो गए, हनुमान भक्त हो गए। केजरीवाल न राम भक्त है, न हनुमान भक्त है, न देश भक्त है। केजरीवाल सत्ता भक्त है और केजरीवाल नरेंद्र मोदी के एडवाइजर ना बने। देश की जनता जब तक नरेंद्र मोदी को चाहेगी, देश को दिशा देंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। 29 तक कौन कहे, 29 के बाद भी देश की जनता चाहेगी तो नरेंद्र मोदी रहेंगे।